फिर ये लाल रंग की जो धारियां होती है आपकी बॉडी पे, चाहे वो आपके ब्रेस्ट एरिया हो, बट होल, थाई हो, आपके शोल्डर्स हो, आर्म्स हो, वहां पे हो जाता है तो बहुत ही गंदा लगता है। ये कभी भी किसी को भी हो सकता है, मतलब प्यूबर्टी में आपको हो सकता है, जब आप बहुत तेजी से आपकी हाइट बढ़ रही होती है, आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, आपने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया या वेट लॉस कर लिया है, तो स्ट्रेच मार्क्स आपकी बॉडी पे आ जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स के होने के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बस देखने में वो थोड़े और से लगते हैं, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगते हैं स्ट्रेच मार्क्स आपकी बॉडी के ऊपर। तो अगर आपके पास स्ट्रेच मार्क्स है तो इट्स ओके, बी कॉन्फिडेंट, बट अगर आप ऐसी ड्रेस पहनते हो जिसमें स्ट्रेच मार्क्स नजर आए तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो सिर्फ आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए अगर आप उसको कोई रेमेडी DIY से ट्रीट करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप कर सकते हो, हर चीज की रेमेडी होती है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि दो दिन में कुछ नहीं होता है। जैसे कि मैंने स्ट्रेच मार्क्स के बारे में, मुझे एक सब्सक्राइबर ने वीडियो भेजी और उन्होंने बोला कि देखो ये कह रहे हैं कि दो दिन के अंदर स्ट्रेच मार्क्स खत्म हो जाएगा, वो भी सिर्फ एक तेल लगाने से, तो और वैक्सीन लगाने से, और कोई कह रहा था डिटॉल लगाने से, और बहुत अजीब अजीब सी वीडियोस थी। उनमें स्ट्रेच मार्क्स को हटाने के लिए बहुत सारे नुस्खे दिए हुए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं प्लीज आप ट्राई भी मत करना, क्योंकि इन सब चीजों से स्ट्रेच मार्क्स नहीं जाएगा और दो दिन में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, उसके लिए बकायदा आपको ऐसी चीजें लेनी होंगी जिसके अंदर वो प्रॉपर्टीज हो जो दाग धब्बों स्ट्रेच मार्क्स को हील कर पाए। ठीक है, एकदम से तो कभी नहीं जाएगा, पर हाँ काफी हद तक फेड अवे जरूर हो सकता है, तो उसकी रेमेडी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, आप करते हैं स्ट्रेच मार्क्स को कैसे हटाए, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्ट्रेच मार्क्स को कैसे हील कर सकते हैं वो बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखो, आपकी स्किन ड्राई फ्लेकी रहेगी, खिंची खिंची रहेगी, तो स्ट्रेच मार्क्स आने के और गहरे रहने के चांसेस होते हैं। जब शुरुआत में ही आपको स्ट्रेच मार्क्स आ गया है तो सही टाइम पे सही रेमेडी आप कर लेते हो तो बहुत इजीली वो हील हो जाता है। इसकी DIY अभी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले एक और चीज, अगर आप 8 से 10 ग्लास दिन में कम से कम पानी पीते हो, आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है और स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रहो, चाहे सर्दी गर्मी बारिश कोई सा भी मौसम हो, या आपकी बॉडी की इलास्टिसिटी को रिस्टोर करता है और हाइड्रेटेड रखता है ताकि स्ट्रेच मार्क्स ना हो। अब स्ट्रेच मार्क्स को अवॉइड करने के लिए अपनी डाइट पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दो। आपको ऐसे फूड खाने हैं जिसके अंदर विटामिन सी ज्यादा हो, जैसे कि बेरीज, रॉ कैबेज, सिट्रिक फ्रूट, कीवी, मेलन, पीस, पाइनएप्पल एंड टमेटो टू फाइट ऑफ टॉक्सिंस एंड फ्री रेडिकल्स। एक आसान तरीका है स्ट्रेच मार्क्स को हटाने का कि आप लेजर ट्रीटमेंट करवा सकते हो। बहुत सारे प्लास्टिक सर्जरी लेजर ट्रीटमेंट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन एक्सपेंसिव होते हैं। मैं पर्सनली तो कभी नहीं जाऊंगी कराने के लिए, आपके पास इतना पैसा तो आप वो करा सकते हो, या फिर आप एक DIY कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप एक फ्रेश एलोवेरा का प्लांट ले लेंगे। एलोवेरा आपको स्ट्रेच मार्क्स आने नहीं देगा और दाग धब्बों को भी दूर करता है, स्किन की टैनिंग भी हटाता है, बहुत अच्छा होता है। मैं कई बार आपको इसके फायदे बता चुकी हूँ, डायरेक्ट प्लांट से निकालोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो उसको अच्छे से धो करके काट लीजिए, अंदर से जेल निकाल लीजिए, एलोवेरा जेल निकाल लिया। अब आलू लीजिए और उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए और छान करके उसका भी जूस निकाल लीजिए। 2 चम्मच आलू का जूस लेना। आलू के जूस में स्किन ब्राइटनिंग के बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दो। अब जहां जहां आपको स्ट्रेच मार्क्स हो रखा है उसको अच्छी तरीके से लगा दो, लेप के जैसे लगा दो, या फिर आप इसको बॉडी के ऊपर मसाज कर दो अच्छी तरीके से, जब तक आपकी बॉडी में जज्ब ना हो जाए। मैं आपको हाथ में रैप करके और लगा करके दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से आप हाथ में लगाइए, उसके बाद इसको रैप कर दीजिए और छोड़ दीजिए कम से कम आधे से एक घंटे के लिए। ये धीरे धीरे वर्क करता जाएगा, डीप डाउन पेनिट्रेट होता जाएगा आपकी स्किन में, और अगर आपने इसको रेगुलरली कम से कम 2 से 3 महीने में ट्राई कर लिया ना, तो स्ट्रेच मार्क्स काफी हद तक फेड अवे हो जाते हैं। ये घरेलू नुस्खा बहुत बहुत असरदार है, एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। देखो सर्दियां आ गई है, इनकेस आपको ईयर DIY नहीं करना है, आपके पास टाइम नहीं है, इतना मेहनत नहीं करना चाहते हो, रेडीमेड सॉल्यूशन चाहते हो, तब मैं आपको एक और ऑयल रेकमेंड कर देती हूँ। ये वाला ऑयल बहुत बहुत अच्छा है आपके स्कार्स और स्ट्रेच मार्क्स के लिए, या ब्लेमिशेस दाग धब्बे हो जाते हैं, स्किन को टोन करना हो तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ये वाला ऑयल आपको लेना है और जहां जहां आपको लगता है कि स्ट्रेच मार्क्स हो रखा है वहां आपको लगा देना है, चाहे वो आपको शोल्डर है, बट, ब्रेस्ट, बेली, शरीर के हर हिस्से पे जहां स्ट्रेच मार्क्स है वहां आप इसको लगा दीजिए। तो वैसे मैं यहां पे यूज कर रही हूं नम्या स्किन थेरेपी बॉडी टोनिंग स्कल्पिंग वंडर ऑयल। इस ऑयल का नाम वंडर ऑयल इसलिए है क्योंकि हर तरीके के दाग धब्बे, स्कार्स, ब्लेमिशेस को ये फेड अवे करने में हेल्प करता है। एक तो ये रेडीमेड सॉल्यूशन है, 100% नेचुरल है, मैंने पर्सनली इसको यूज किया है और ये मैं दूसरी तीसरी बार आपको ये रेकमेंड कर रही हूँ। मैंने इसको इतना यूज किया, अपने मोस्टली हड़िया में ये वाला ऑयल जरूर लगाती हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये आपकी स्किन को नेचुरल तरीके से हील करता है,
स्कार्स से जो आपकी स्किन को डैमेज हो गया है, डैमेज कंट्रोल, डैमेज रिपेयर करता है। यह आपकी स्किन को टोन करता है और एजिंग स्किन को भी ठीक करता है। इसके पावरफुल इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को फॉर्म करते हैं। अभी करता कैसे है, लेट मी इन्फॉर्म यू। ये ब्रेक डाउन करता है सेल्स को जहां आपका प्रॉब्लम एरिया है, जैसे कि थाइस, हिप्स, बटक एंड एब्डोमेन। इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर है सीसम ऑयल, सीसम सीड, आंवला। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि सर्दियों में नहाने से पहले अपनी बॉडी पे ऑयल जरूर लगाओ। तो आप बहुत सारे DIY करके लगा लेते हो, आप ये वाला एक ऑयल लगा लो, आपको हर एक स्किन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ये ऑयल लेना है, हाथ में ऐसे रख कीजिए और पूरी बॉडी में लगाइए। आप चाहो तो इसको फेस के ऊपर भी लगा सकते हो, ये इतना अच्छा वर्क करता है। नॉन ग्रीजी, नॉन स्टिकी और इजिली एब्जॉर्ब होने वाला ऑयल है आपके स्किन में। और एक बार के एप्लीकेशन में आपको हल्का सा फर्क तो देखने को मिल ही जाता है, स्किन टोन को काफी हील कर देता है ये। अगेन काले से गोरा नहीं करेगा, मैं हमेशा हेल्दी स्किन की बात करती हूँ, तो डू फोकस दैट। इनके साथ आपको ये वंडर ऑयल लेना है अपने लिए, तो नम्बिया वंडर ऑयल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां क्लिक करके अपने लिए परचेज कर सकते हो। तो गाइस, दो दिन के अंदर तो कोई भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही जिद्दी धब्बे होते हैं आपकी बॉडी पे, आपकी बॉडी ही खुद उनको बना देती है, तो इतनी आसानी से नहीं जाता है। उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी होती है, जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं, जो रेमेडी बताई है, या रेमेडी नहीं करनी है तो जो ऑयल मैंने आपको बताया, कम से कम वो ऑयल ही लगा लो। इसको लगाना आसान है, क्योंकि सोने से पहले रात को ऐसे लगा लो बॉडी में और सुबह उठ करके नहा लो। रोज रात को लगाओ, अगर पॉसिबल है तो मॉर्निंग में भी लगाओ, दोनों टाइम मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी, तो आपको जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। कम से कम 1 से 2 महीना इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, पॉजिटिव रिजल्ट। अगर जितनी भी दुल्हन शादी होने वाली है या वैसे भी, इफ यू वांट टू हील योर स्किन, तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया स्कार्स की सच्चाई क्या होते हैं, कैसे ठीक होते हैं, नहीं होते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए डू वॉच माय भाई की सगाई व्लॉग्स ऑन मिस्टर एंड सिस्टर।